हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुडवेज। मैं आप लोगों का शाश्वत बहुत बढ़िया होंगे। फाइनली मैंने मेरा चैनल में एल्गोरिथम 10 डेज चैलेंज जो कि था 9 फरवरी टू 18 फरवरी तक आप लोगों को खुद के चैनल में 10 दिन में 10 वीडियो को अपलोड करना था। मैंने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैं आज इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेयर करूंगा मेरा जर्नी कि 10 दिन में मैंने क्या क्या सीखा है, और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब फर्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैंने किस लिए ये वाला चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और सेकंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैंने कितना सारा वीडियोस मतलब 10 दिन में कितना सारा वीडियोस अपलोड किया था। थर्ड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वाला जो चैलेंज था मतलब 10 डेज चैलेंज ये वाला मेरे लिए ईजी गया या टफ गया। और फोर्थ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा जो रिजल्ट आया है मतलब मेरा चैनल में कितना ग्रोथ हुआ है या नुकसान हुआ है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। फिफ्थ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तीन ऐसा चीज़ जो मैंने ये वाला चैलेंज से बहुत गेन किया मतलब बहुत सीखा जो कि मेरा इन फ्यूचर लाइफ में बहुत काम में आएगा। तो आप लोगों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा, और वीडियो को बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो 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 तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये वाला चैलेंज से क्या क्या सीखा है। तो एक्चुअली सच बताओ तो बहुत कुछ सीखा है। एक्सपेक्टेशन था मेरा कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा, तो एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है जो कि ये कंसिस्टेंसी है जो कि फर्स्ट में बताऊंगा और लास्ट में भी बताऊंगा कंसिस्टेंसी क्या है। फर्स्ट में मैं यही बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी में इतना मतलब फोकस्ड हुआ हूं ना वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, रोज एक टाइम फिक्स्ड किया हूँ। ऐसे ऐसे दिन भी गया ना मेरा कि 8 बजे वीडियो पब्लिश करूंगा, 6 बजे से 8 बजे के अंदर पूरा थंबनेल रेडी किया, वीडियो को एडिट किया, वीडियो को शूट किया, उसके बाद जो मीटा डेटा होता है मतलब टैग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सब भरा, फॉर्म फिलअप किया जो कि यूट्यूब का फॉर्म फिलअप मैं बोलता हूँ मेरा खुद का लैंग्वेज में, सब कंप्लीट करके मैंने फिर पब्लिश किया 7 बजे के अंदर या 8 बजे, कभी कभी ऐसा लेट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, मेरा एक हैबिट बन गया मेरा। तो आशा करता हूँ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस लिए ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो गाइस जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मैंने ये वाला चैलेंज में कितना सारा वीडियोस को अपलोड किया, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। इधर मेरा स्क्रीन आ रहा है ना, आप लोग मेरा स्क्रीन को देखिए और मेरा बात को फॉलो कीजिए। तो ये रहा मेरा चैनल, मेरा चैनल में आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोग वीडियोज में जाइए, वीडियोज में जाने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो था इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। इसमें से येरा 1, येरा 2, येरा 3, येरा 4, येरा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 येरा लास्ट वीडियो। मैंने 10 वीडियो सक्सेसफुली अपलोड किया है, आप लोग जाके मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन आता है, मेरे लिए ये वाला चैलेंज इजी गया या टफ गया, सच बताओ तो मिक्स करके गया। मिक्स मतलब इजी भी गया टफ भी गया। डे 1 टू डे 4 बहुत टफ गया क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन से उठ के डेली वीडियो बनाना है, मतलब डेली मेरे चैनल के लिए टाइम निकालना है कि भाई शाम को घूमने नहीं जा सकते या सुबह कहीं दूसरे काम में नहीं जा सकते, ठीक है। जितना आप लोगों को फ्री ऑफ स्पेस या फ्री टाइम मिलेगा ना, उस टाइम में आपको वीडियो बनाना होगा ही होगा। दूसरा कोई प्लान रह गया, आप किसी के साथ घूमने जा रहे हो, नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 दिन मुझे बहुत टफ गया। 5th डे से मेरा माइंडसेट हो गया कि हाँ भाई डेली वीडियो बनाना ही है, तो उसके बाद मुझे इजी लगने लगा। चलो सही है, कंसिस्टेंसी एकदम फोकस्ड हूँ, फोकस मतलब 100 to 110% फोकस्ड हो गया। वीडियो कोई सा भी टॉपिक के ऊपर बस वीडियो बनाना है डेली, मुझे ये व्यूज़ आए या ना आए। मतलब लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा कि मेरा चैनल के साथ क्या गड़बड़ हुआ है मैं बताऊँगा, फिर भी मैं मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेटेड होने के बाद मैं ये कंटिन्यू करता गया 10 दिन तक। तो कैसे फोर्थ क्वेश्चन आता है, मैंने एक्चुअली ये वाला चैलेंज से क्या रिजल्ट गेन किया मतलब क्या अचीव किया हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा व्यूज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरा स्क्रीन इस साइड आ रहा है, आप लोग मेरा स्क्रीन को फॉलो कीजिए। ये रहा मेरा चैनल, मैं आप लोगों को व्यूज़ में या वीडियोज़ में जाके दिखा देता हूँ कितना व्यूज़ आया। ये रहा मेरा फर्स्ट वीडियो स्टोरी वाला, इसमें आया 81, ठीक है, तो मेरे लिए उतना कम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया ये वाला वीडियो में 126, उसके बाद आया ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत रैंक किया है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में हैशटैग 10 डेज चैलेंज एंड हैशटैग एल्ग्रो चैलेंज हर वीडियो में मैंने डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें आया 342, उसके बाद ये वाला में आया है 171 जो कि ठीक ठाक ही है रेगुलर से, और उसके बाद ये वाला में आया है 147, उसके बाद इसमें 54, उसके बाद 5th डे मतलब 6th डे है ये
सिक्स डे में आया है 44, उसके बाद 29, 49 व्यूज, उसके बाद लास्ट वाला वीडियो में मेरे आया है 89 व्यूज। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सच बताऊं तो मेरे लिए ये ठीक ठाक ही है। बहुत सारे लोगों का 400, 500, 2000, 20,000, 50,000 किसका गया मुझे नहीं पता। लास्ट मैंने देखा था एक भैया का चैनल में, मतलब एक भाई का चैनल में जो भी हो, उनका चैनल में 20,000 क्रॉस कर गया। तो उसके लिए उनका चैलेंज तो हो गया ना, मतलब उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा उतना खास नहीं आया। लेकिन मैंने मेंटली बहुत अच्छा रिजल्ट गेन किया, जो कि मैंने पहले वाला में बताया था, पहले वाला पॉइंट में। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा मैंने ये वाला चैलेंज से क्या क्या सीखा है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरा चैनल में एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है। क्यों ये वाला स्ट्राइक आया, जनवरी में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था आप लोग कैसे फ्री में मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले मुझे स्ट्राइक दे दिया। स्ट्राइक तो आना ही था, मैंने गलत काम कर रहा था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गया, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके बाद एल्गोसन ने ये वाला चैलेंज को लॉन्च किया, फिर मैंने सोचा क्यों ना ये वाला चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए, खुद को रिप्रेजेंट किया जाए कि मैं भी कर सकता हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर सेल्फ मोटिवेटेड हुआ। तो इससे क्या हुआ, खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला, जैसे कि एडिटिंग स्किल, कंसिस्टेंसी, फोकस होना कि डेली आपको वीडियो बनाना है, उठ के वीडियो बनाना, कंफर्ट जोन से बाहर आके। एडिटिंग स्किल क्या होता है, डेली आप वन टाइप ऑफ एडिट करते हैं, डेली आप रेगुलर वन टाइप ऑफ थंबनेल बनाते हैं। अगर आपने कुछ अलग ना, आपके सब्सक्राइबर लोग बहुत एक्साइटेड होंगे उस वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग डेली बेसिस में अपग्रेड करते रहिए खुद का वीडियो को, तो इससे क्या होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा आपको वीडियो। और ये तो हो गया एडिटिंग के पार्ट, लेकिन और एक चीज़ मैंने सीखा कि अट्रैक्शन बढ़ाना, मतलब मान के चलिए जैसे कि आप लोग बीजीएमआई खेलते होंगे ना, बीजीएमआई क्या होता है, डेली डेली अपडेट आता रहता है, मतलब 3 महीने बाद एक नया मोड आ गया, एक इधर तूफान वूफान चलने लगा खेलने के बीच। इसमें क्या आता है, जो लोग प्लेयर्स लोग खेलते हैं ना, डेली वन टाइप ऑफ गेम नहीं खेलते होंगे, उसको भी मिलता है कि नया नया चीज़ अचीव करने के लिए मिलता है, नया नया ड्रेस मिलता है। आप लोग भी ऐसा एक डिमांड खुद के वीडियो के ऊपर लेके आइए कि आपका जो सब्सक्राइबर होता है ना, वो लोग डेली बेसिस में एक नया नया चीज़ या नया नया एडिटिंग देखने को मिले। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ गया होगा कि मैंने क्या क्या सीखा है ये वाला वीडियो से। अगर फिर भी कुछ पूछना होगा ना, आप लोग मुझे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी करिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।